अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी। जताली, उधर देख। महरानी, मत सताइए महरानी, दीजिए चाबी। जबदाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी और फिर वीर लोग की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोग बनेगा मेरा गुलाम। वाह बहरानी, वाह, नन्ही उंगली की कसम, फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जबदाली, इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। जेल हो ये लुक को। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? हुदक के चाबी ले रहा था। चाबी? मेरा जादू हो जाए सफल, चाबी हो जाए चल चल। मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा? लगता है तिमनासा ने यहाँ कोई कवट लगाया। जैसे कालों को आना को जादू पृथ्वी पर नहीं चलता, शायद उसी तरह मेरा भी जादू यहाँ नहीं चल रहा है। मैं क्या करूँ? उकसाना पड़ेगा इसे। अरे तलवार हाथ में लेने से कोई योद्धा नहीं बन जाता जबदाली। तलवार? ये तबा तबा, लगता तू अंधा हो गया। अरे ये तलवार नहीं है, चाबी है, चाबी। मूर्ख कहीं। मूर्ख? और तुम्हारे दिमाग में वो है सूखी घास, इसे कोई जानवर भी चढ़ नहीं सकता। विवान के पास है जादू या हथियार? नहीं, विवान के पास तो ये भी है। तो बड़ी तो। अरे चपताली जी, तौबा तौबा ने आपको जानवर बोला। हाँ, जानवर बोला ना? हाँ। तौबा तौबा, जानवर बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जानवर का भूसा बोलने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? भूसा भूसा। अरे चपताली जी, आप तौबा तौबा ने आपको भूसा बोला? भूसा बोला ना, भूसा बोला। तू बैंगन, छोटा सा अंगूर। हाँ, जल्दी से चाबी दे दे लंगूर। लंगूर बोला? इतनी हिम्मत है तो चाबी छीन के दिखा ना। छीन के दिखा? ले ले, छीन के दिखाओ। शाबाशी शाबाशी दे रहा था, बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। उसको पता भी नहीं चल रहा। नन्ही उंगली, तोबड़ी तोबड़ी। मुझे चक्कर आ रहा है जबदली। पता नहीं क्या हो गया ये। यहाँ ए जबदाली,
क्या तुझे बुला रही है? आ रहा है। मन बुद्धि कहीं के, मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काललोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर, जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पुष्प दोनों तिमनासा के कब्जे में है, और परितारा को कल्पुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिमनासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहां रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूं बटर। बहुत अच्छी, वीरलोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है, और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है, अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीरलोक जाने का समय आ गया। वीरलोक? भैरानी नन्नी उन्नी की कसम, वीरलोक में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगे? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा, हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे, पर विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? हैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीरलोक में उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ ताल्लुक में कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं, किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। है? अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। यहाँ तो सब लोग हैं वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं।
मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियाँ एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो विवान, वीरलोक की पूरी मंडली यहाँ पर है, बस अब तिमनासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि आंखें मूंद के वीरलोक की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और परिया काललोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है, बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे, कम मिलेंगी शक्तियां, कम आएगी तिमनासा। तिमनासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिमनासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। शब्दली क्या पकड़ा के गई बहराने मुझे, अब इससे क्या करूं, मच्छर मारूं क्या? ये ऐसे 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 नन्ने नन्ने तोबा तोबा का नन्ना साथ यार। बहुत हंस रहा है ना, अब तोड़ ही देता हूं इसे। अरे तोबा तोबा मत तोड़, बहरानी मारेगी। जितना बड़ा दिमाग है मेरा, उतना बड़ा वो दिया है मुझे हथियार। हथियार दूसरों को मारने के लिए है या खुद दुख से मरने के लिए है? और लेगा भारी हथियार, बड़े वाला। अरे बचा ले मुझे। क्या हो रहा है काल लोक के बेवकूफों? भरन नीचे दब गया। भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरन नन्नी उंगली की कसम, अब हमारे लिए अगला वो क्या है? आदेश? आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीरलोक की, ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है? मुझे
किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परिया काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ बाटर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पाटर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल चुकी है, अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर। लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परी तारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था, सुनो। बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है, और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत, इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परी तारा का आवाहन करता हूं, परी तारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे इस गुप्त मंत्र की मदद से। हेमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। परी तारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परी तारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा? तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कहीं है। परियो, हो रही तिमनासा, तुम्हें क्या लगा क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है। काल परी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को।
शायद तुम भूल गई तिमनासा कि ये वीर लोग हैं, मेरा घर। तिमनासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है, बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए?